ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी आपके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्ट्राइक करने चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेन थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये पता है किसका फॉर्मूला है, दैट इज टेन थ्री थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे फिट बैठ रहा है, हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो x को हम क्या प्लेस कर दे रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा, ये प्लेस करेंगे हम। इसका मतलब कि यहाँ से x बाई a किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स ऑफ x बाई a, ये आपका थीटा हो गया, से इक्वेशन नंबर वन। चलिए नाउ उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट बिकम टेन इनवर्स ऑफ थ्री ए स्क्वायर, और x को हमने क्या प्लेस किया है, x को हमने प्लेस किया है a tan थीटा, तो ये हो गया आपका एक a और tan थीटा, माइनस ये हो जाएगा a tan थीटा का होल क्यूब, क्योंकि x की प्लेस पे हमने प्लेस किया है, ओवर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस थ्री ए, और ये क्या हो जाएगा a tan थीटा। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ पे क्या प्लेस कर दिया है, a tan थीटा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, ये a tan थीटा था। अब देखिए ये a स्क्वायर और ये a मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, तो इट बिकम a क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, a का भी क्यूब होगा और tan थीटा का भी क्यूब होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिकम a क्यूब और tan क्यूब थीटा, यहाँ से क्यूब हटा दिया हमने। ऐसे नीचे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका a का भी स्क्वायर होगा और tan का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हटा दिया हमने, ठीक है। लेकिन a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमने a क्यूब लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर से a क्यूब और नीचे से a क्यूब कॉमन हो रहा है, और कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपने कॉमन कर लिया a क्यूब और अंदर बच गया आपका, यहाँ एक ब्रैकेट हम प्लेस कर दे रहे हैं, वन बच जाए, यहाँ पे थ्री बच जाएगा tan थीटा, और माइनस क्या हो गया आपका tan क्यूब थीटा, ये आपने न्यूमरेटर से a क्यूब कॉमन कर लिया, अपॉन नीचे से डिनोमिनेटर से a क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए a क्यूब और a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचा आपका थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, टेन थ्री थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया इसको, दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स होता है, बशर्ते एक्स टेन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, खैर वो आपको बोर्ड में चेक नहीं करना होता है, खैर तो ये किसके इक्वल हो गया, थ्री थीटा के, और थीटा क्या था आपका, थीटा था यहाँ से टेन इनवर्स इक्वेशन नंबर वन से एक्स बाई ए, तो इसको लिख लेंगे थ्री टाइम्स टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इसका।